नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन रतिराम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फ़ोन में हिंदी टाइपिंग को लेकर आ रही परेशानियों के बारे में। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों ने मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों तक बता रहा हूँ। दोस्तों, क्या होता है, हम अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड यूज़ करते हैं। अब उन कीबोर्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है दोस्तों, जैसे कि मान लो इस कीबोर्ड में इस तरह की समस्या ये आ जाती है कि हमें हिंदी टाइप करने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक ऐसा सिंपल मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप बिल्कुल आसानी से हिंदी टाइपिंग कर पाएंगे। बस आपको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है। मान लो मुझे लिखना है यहाँ पर आ जाओ, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आप आ लिख के और जे ए आओ करोगे, आ जाओ बिल्कुल लिखने में आ जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों देखिए, यहाँ हिंदी टाइपिंग बड़ी आसानी के साथ हमने कर ली है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक कीबोर्ड लेना होता है हमारे। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है इसके अंतर्गत कि आप ये हिंदी टाइपिंग करने के साथ साथ आप इसमें लिख कर भी टाइप कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर लिखना है आ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मुझे स्पेस देना है तो मैं यहाँ से स्पेस दे दिया, और इसके बाद मुझे लिखना है जाओ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दूँगा जाओ। आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। आप यहाँ इसी के साथ इंग्लिश भी इसी में टाइप करवाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। आप वापस से चाहें तो उस वाले ऑप्शन पर आ सकते हैं और यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ हिंदी टाइप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है आपके प्ले स्टोर में दोस्तों। और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का। इस सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पर गूगल इंडिक कीबोर्ड, गूगल इंडिक कीबोर्ड होता है दोस्तों इसका नाम, देखिए ऊपर ही ऊपर आ चुका गूगल इंडिक कीबोर्ड। और इस गूगल इंडिक कीबोर्ड को आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। आपको इंस्टॉल करने के बाद सिंपली अगर आपने कोई दूसरा कीबोर्ड यहाँ पे काम में ले रखा है दोस्तों यूज करने के लिए, तो दूसरे को हटाने के लिए आपको क्या करना है, आप इधर आ जाएंगे और आने के बाद जो गूगल इंडिक कीबोर्ड है इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद आपको वो पूछेगा कि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं। जैसे कि देखो, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मान लो मैं यहाँ से इसका कीबोर्ड चेंज कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये दूसरा कीबोर्ड आ चुका है, मैं इसमें हिंदी टाइप नहीं कर सकता दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, गूगल इंडिक कीबोर्ड यामिट से पूछेगा, देखिए सेलेक्ट इनपुट मेथड पे मुझे ओके कर देना है, नीचे से गूगल इंडिक कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है और बस अब ये डन हो गया दोस्तों। और आप जैसे ही वापस से इस पे जाएंगे, आप यहाँ देखेंगे कि आपका गूगल इंडिक कीबोर्ड आ चुका है बिना किसी परेशानी के दोस्तों। और वापस से आप यहाँ चाहे तो इंग्लिश टाइप कीजिए, आप चाहे तो यहाँ हिंदी टाइप कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं आने वाली है दोस्तों। अगर आप यहाँ देखना चाहें और आप करना चाहें तो यहाँ वॉइस टाइपिंग भी इसकी बहुत अच्छी और शानदार है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। हिंदी में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, तीन तरीके के कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। अदर कोई और लैंग्वेज अगर आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको लैंग्वेज वाले ऑप्शन में जाना है और देखिए दोस्तों कितनी सारी लैंग्वेज हमारे सामने यहाँ उपलब्ध है। आप उस पर क्लिक करके और वहाँ से उन लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करूँगा कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के बेहद काम आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, गुड डे।